सीबीआई ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को लेकर के। शराब की लाइसेंस हड़पने में सिसोदिया और केजरीवाल का नाम कैसे आया ये बताएंगे आपको, और सीबीआई ने कैसा बड़ा खुलासा किया है, कैसा बड़ा झटका दिया है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को ये बताएंगे, और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या मनीष सिसोदिया को झटका दिया है, ये तमाम चीजें बात करेंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया वही कट्टर ईमानदार हैं जो कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के गैंग ये तमाम लोग ये बात कहते थे कि इनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। ये शिक्षा मंत्री हैं, इनके ऊपर कैसे आप शराब घोटाले का आरोप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, सीबीआई ने बड़ा खुलासा कर दिया है, और सीबीआई ने शराब की लाइसेंस हड़पने के मामले में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को पूरी तरीके से लपेट लिया है। इसीलिए मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल का नंबर तय है। लेकिन एक बात याद दिलाना चाहेंगे आपको कि यही सारे केजरीवाल गैंग ये बात मीडिया में कहने से नहीं थक रहे थे कि मनीष सिसोदिया जैसा ईमानदार तो कोई है ही नहीं। लेकिन आज ये बात पूरी तरीके से साबित हो रही है कि मनीष सिसोदिया जैसा कट्टर बेईमान कोई है ही नहीं। और जरा निर्लज्जता तो देखिए कि जब इनकी जमानत याचिका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज होती है तो मीडिया में किस तरीके से मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं, लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली हो, बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो, लगता है जैसे देश के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया हो। कोर्ट की तरफ से झटके मिलते हैं तो मीडिया में किस तरीके से इनकी मुस्कुराहट देखते बनती है। लेकिन शर्म आनी चाहिए इनको कि पत्नी की हालत खराब है, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखती है। लेकिन जरा देखिए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको झटका दिया, इनकी अंतरिम जमानत याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और खारिज क्यों किया? क्योंकि इनके खिलाफ अब सीबीआई और ईडी को ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जिसके आधार पे इनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो रही है। ईडी के चार्जशीट में भी ये पूरी तरीके से बात क्लियर है कि मनीष सिसोदिया रिश्वत लेने का काम कर रहे थे, करोड़ों करोड़ रुपए ऐंठने का काम कर रहे थे, और शराब घोटाले में किस तरीके से नियम बना करके पैसे को ऐंठते थे, शराब लॉबी को, एक स्पेशल लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे कैसे इन्होंने परसेंटेज में बढ़ोतरी की, ऐसे तमाम आरोप लगे हुए हैं दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज ताजिया रिपोर्ट ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी है। फिर से एक बार कट्टर ईमानदार के चोला पहनने वाले कट्टर बेईमान की अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। लेकिन शर्म इस बात की है कि इनकी पत्नी इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं, तो पत्नी का हवाला देकर के ये जमानत पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सत्येंद्र जैन है जो कंगाल हुए, साथ साथ कंकाल भी हो गए, उनको कुछ सप्ताह के लिए जमानत मिल गई है, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन पत्नी का हवाला देकर के आप जमानत लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब आपके पास 18 विभाग था तो उस वक्त आपको पत्नी की याद नहीं आ रही थी, आज तो बहुत पत्नी की याद आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं दोस्तों, और उस शर्त के हिसाब से इनको बस कुछ घंटों के लिए इजाजत दी गई है कि आप किसी भी दिन, एक दिन बस, अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब इनको भेजा गया तो इनको नसीब इनका देख लीजिए, जब ये गए तो पत्नी से मिलने का नहीं था संयोग, पत्नी इमरजेंसी वार्ड में तुरंत भर्ती हो गई, लेकिन चेहरे पर से मुस्कुराहट कम नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया को मुस्कुराहट वही थी, खुशी वही थी,
ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने कोई गलती नहीं की है। अपने आप को भगत सिंह कहते हैं, भगत सिंह का भी नाम क्यों खराब करते हैं आप लोग। भगत सिंह ने शराब घोटाला किया था। तो इस तरह से महापुरुषों के नाम को लेकर के आप उनको अपमानित ना करें। और इस युग में तो शायद ही भगत सिंह जैसे लोग उत्पन्न होंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी कलयुगी दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो अपनों की ना सोच करके दूसरों की सोचते हैं। आज तो बहुत सारे लोग स्वार्थी हो चुके हैं। लेकिन यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने जो शर्त रखी है, पहला शर्त कि आप मनीष सिसोदिया जो हैं वो पत्नी से तभी मुलाकात कर सकते हैं जब मीडिया इनके आसपास नहीं हो। मीडिया से ये बात नहीं करेंगे, मीडिया में कुछ भी अजुल फजुल बयानबाजी नहीं देंगे, क्योंकि इनकी आदत है वंदे मातरम करने की, झूठ बोल करके। ये झूठ भी इतने सफाई से बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन इनके खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत मिले हुए हैं कि ये खुद को अब साबित नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। सारा खेल यही है, कट्टर ईमानदार और कट्टर बेईमानी का। लेकिन ये कट्टर ईमानदार नहीं बनके कट्टर बेईमान बन गए। अब ये खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं, साबित कर कैसे पाएंगे, क्योंकि इनके खिलाफ पूरे सबूत मिल रहे हैं। दूसरी शर्त रखी कि परिवार वालों से आप बात नहीं करेंगे। जब भी आप जाएं तो आप परिवार वालों से बात नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता मंत्री विधायक से नहीं बात करेंगे, और फोन इंटरनेट तो आप यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि झोल कर सकते हैं आप मनीष सिसोदिया जी। ईडी ने पूरी तरीके से जमानत का विरोध किया है दोस्तों, और कहा है कि 18 विभाग मनीष सिसोदिया के पास था, और अगर ये जमानत पे बाहर जाते हैं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को भटका सकते हैं, धमका सकते हैं। वर्चस्व है इनका, उप मुख्यमंत्री हैं पूर्व, अब तो पूर्व हो गए हैं। तो खास तौर पे यही बात साबित होती है कि ईडी ने जो विरोध किया है मनीष सिसोदिया का, तो ये जमानत के लिए पूरी तरीके से बौखला रहे हैं। लेकिन इनको जमानत मिलने वाला नहीं है। लेकिन सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, और इस खुलासे पे आते हैं कि एक शराब लॉबी पे आरोप लगाया है सीबीआई ने। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सीबीआई ने एक शराब लॉबी पे आरोप लगाया कि उन लोगों ने शराब का लाइसेंस हड़पने की साजिश रची, और इसमें मनीष सिसोदिया और केजरीवाल शामिल थे, इसमें पैसे का लेन देन हुआ है। पहले तो मनीष सिसोदिया इसमें शामिल थे, लेकिन शक के आधार पे यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, बिना किसी अनुमति के मनीष सिसोदिया कोई काम नहीं करते थे, एक पत्ता भी इधर उधर नहीं हिल सकता है। तो आज सीबीआई ने जो ये बात कही है कि शराब लॉबी पे आरोप लगाया है कि उन लोगों ने जो शराब लॉबी है, सब शराब लॉबी कौन चला रहा था, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल गैंग, ये तमाम लोग शराब लॉबी चला रहे थे। अब इन लोगों ने मिलकर के शराब लाइसेंस हड़पने की साजिश रची है, और इसमें मनीष सिसोदिया शामिल थे। और क्यों केजरीवाल का भी नाम आ रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया बिना पूछे बिना सोचे समझे केजरीवाल से कोई काम नहीं करते थे, इसमें पैसे का भी लेन देन हुआ है। तो ये काली करतूते हैं कट्टर ईमानदार की, जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, आज अपना चेहरा आईने में देख करके लज्जा आती है कि मैंने ये सारी चीजें की, मैंने वो काम किया जो दिल्ली की जनता हमारे ऊपर भरोसा करके हमें डिप्टी सीएम बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक ये बनाया। तो उन तमाम लोगों को शर्म आ रही है, और शर्म आनी चाहिए कि आपने ऐसा कुकर्म किया ही क्यों जो पछताना पड़े।